कहा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये रघुनंदन, ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है जो शाप के कारण शिला बन गई है, आप इसके ऊपर कृपा करो, इसका उद्धार करो, आपके द्वारा ही इसका उद्धार। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा राम जी को सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है, अहिल्या ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, अहिल्या के जैसा सौंदर्य किसी का नहीं था। अहिल्या का मतलब ही होता है हल्य माने कुरूपता, और जिसके अंदर कुरूपता न हो उसको कहते हैं अहल्या, और अहल्या को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था अपने संकल्प मात्र से। अहल्या किसी स्त्री के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुई, अपितु ब्रह्मा के संकल्प से प्रकट हुई थी। और अहिल्या परम सुंदरी, अहिल्या के सौंदर्य को देखकर इंद्रादि देवता भी कामना करने लगे कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अहिल्या उसे प्राप्त होगी जो इंद्रिय जयी होगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दो कुर्सी ऊपर ले आओ महाराज जी, पधार रहे। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप कथा के माध्यम से हम सभी लोग अनेकानेक संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कृपा करके महाराज पधारे श्री दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महाराज श्री। कल ही महाराज जी के चरणों में हमने निवेदन किया, महाराज जी आप पधारो, आप रहोगे तो आनंद आएगा। फिर बड़े महाराज जी का भी संकेत हुआ तो महाराज कृपा करके पधारे। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि अहिल्या को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, ब्रह्मणा निर्मिता अहिल्या, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित संकल्प मात्र से उत्पन्न अहिल्या परम सुंदरी। अहिल्या के सौंदर्य को देखकर इंद्रादि देवता कामना करने लगे कि ब्रह्मा जी इस कन्या का मुझे दान कर दे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इंद्रिय जयी होगा उसी को मैं ये कन्या प्रदान करूंगा। महर्षि गौतम को बुला करके अहिल्या का दान कर दिया, बोले अहिल्या तुम्हारे साथ रहेगी। विवाह नहीं किया, केवल दे दिया कि ये आपके साथ रहेंगी, और कई वर्षों तक अहिल्या महर्षि गौतम के साथ रही।
लेकिन कभी महर्षि गौतम के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उनके इस इंद्रिय निग्रह और सच्चारित्र को देखकर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई और ब्रह्मा जी ने कहा, यह कन्या तुम्हारे ही योग्य है। ब्रह्मा जी ने गौतम महर्षि से कहा कि एक शर्त और है। बोले क्या? बोले जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके चला आवे उसको मैं ये कन्या प्रदान करूंगा। तो इस प्रतिस्पर्धा में इंद्रादि देवता भी चल पड़े कि हम भी परिक्रमा करें, शायद हमें ही प्राप्त हो जाए। तो इंद्र इत्यादि देवता तो परिक्रमा करने चले गए और महर्षि गौतम ने क्या किया? बोले महर्षि गौतम के यहाँ जो उनकी गाय थी धेनु, वो बछड़े को जन्म दे रही थी। गाय जब बछड़े को जन्म देती है, प्रजनन करती है, तो जब उसका बच्चा आधा बाहर निकला हो, बच्चे का मुख बाहर हो और दो पैर बाहर हो, पूरा अंग बाहर न निकला, उस समय गऊ की अगर कोई परिक्रमा कर ले उस गाय की, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का ही फल प्राप्त होता है। उसको शास्त्र में द्विमुखी गाय कहते हैं। द्विमुखी का मतलब जिसके दो मुख हो, एक आगे मुख एक पीछे। द्विमुखी गोह परिक्रमात्, दो मुखी गाय की परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। महर्षि गौतम ने उस गाय की परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हो गए। दत्तापुरा गौतमाय, महर्षि गौतम को ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया। अहिल्या को लेकर के महर्षि गौतम आए और अपने आश्रम में अपने नियम में रहने लगे। इधर इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति आसक्ति थी। एक दिन देवराज इंद्र आए और आकर के एकांत में अहिल्या से कहा कि मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो। इंद्र को देख करके अहिल्या ने उनके प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। लोग कहते हैं अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, इंद्र ने धोखा दिया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं कि मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। मतिम चकार दुर्मेधा, अहिल्या की बुद्धि उस समय विकृत हो गई और उसे लगा कि ये इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं, मेरा तो सौभाग्य है कि ये मुझे चाहते। और अहिल्या ने इंद्र का स्वागत किया और इंद्र जब जाने लगे तो अहिल्या ने कहा कि कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ। हे सुरश्रेष्ठ, हे देवराज इंद्र, कृतार्थास्मि, आपको पा करके मैं कृतार्थ हो गई। कृतज्ञता ज्ञापन भी किया अहिल्या ने, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। अब आप जल्दी से यहां से चले जाइए। क्यों? बोले मेरे स्वामी महर्षि गौतम के आने का समय हो गया। आत्मानं मां च देवेशो सर्वथा रक्ष गौतमात्। आप देवताओं के राजा हैं, आप समर्थ हैं, आप अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना महर्षि गौतम के साप से, क्योंकि उन्हें अगर कुछ पता चल गया तो आपका और हमारा दोनों का कल्याण नहीं होगा। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्याम इदम अब्रवीत। हंसते हुए इंद्र ने अहिल्या से कहा, सुश्रोणी परितुष्टोस्मि, हे सुश्रोणी, हे सुंदरी, मैं प्रसन्न हूं और जा रहा हूं। गमिष्याम यथागतम। इतना कह करके इंद्र ज्यों ही आश्रम से बाहर निकलने लगे तब तक महर्षि गौतम आ गए। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः। महर्षि गौतम ने देखा इंद्र को कुटिया से निकलते हुए और महर्षि गौतम का ही वेश इंद्र ने बनाया था कि कोई दूसरा अगर देख ले तो दूसरा व्यक्ति यही समझे कि महर्षि गौतम थे, और अहिल्या को तो पता ही था कि ये इंद्र हैं।
दूसरों को धोखा देने के लिए इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश बनाया था, और तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेश धरम मुनि, मुनि का वेश धारण करने वाले इंद्र को मुनि ने गौतम ने देखा, समझने में देर नहीं लगी। महर्षि गौतम ने शाप दे दिया, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते। अय दुर्मति, तूने मेरा रूप धारण करके ये अपराध किया, जा तू विफल हो जा। इंद्र को विफल होने का शाप दिया, और तब तक अहिल्या वहीं खड़ी थी। अहिल्या तो थर थर कांपने लगी इस दृश्य को देख। अहिल्या पर जब दृष्टि गई महर्षि गौतम की, तो अहिल्या ने कहा, ओ महर्षि गौतम ने कहा कि तूने ये अपराध किया है, जा मैं तुझे शाप देता हूं। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मसायिनी, तू यही आश्रम में रहकर वायु पी करके जीवित रहेगी। बात भक्षा निराहारा, तुझे कोई आहार नहीं मिलेगा। तप्यंती भस्मसायिनी, दुख को प्राप्त करती हुई भूमि पर शयन करती हुई, अदृश्या सर्वभूतानां, तू किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगी। तू सबको देखेगी लेकिन कोई तुझे नहीं देख पाएगा। तुझे सबकी आवाज सुनाई पड़ेगी लेकिन तेरे करुण क्रंदन को कोई सुनने वाला नहीं होगा। और इसी आश्रम में हजारों वर्षों तक तू अपने पाप का प्रायश्चित करेगी। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगने लगी कि मुनिवर मेरा उद्धार कब होगा, इस दुख से मेरी निवृत्ति कब होगी। तो महर्षि गौतम ने कृपा की, अनुग्रह किया। महात्माओं का हृदय बहुत कोमल होता है, अगर जीव अपना अपराध स्वीकार कर ले तो महात्मा उसे क्षमा कर देते हैं। महर्षि गौतम को दया आ गई और महर्षि गौतम ने कहा, जाओ शाप तो मैंने दे दिया लेकिन यदा त्वेतद् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, इस वन में जब दशरथ नंदन श्री राम आएंगे, आगमस्यत दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यति। भगवान श्री राम जब इस वन में आएंगे तो उनके दर्शन मात्र से तदा पूता भविष्यसि, उसी समय तू पवित्र हो जाएगा और तेरे द्वारा उनका आतिथ्य होगा, पूजन होगा, और फिर तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया था। विश्वामित्र जी महाराज ये सब कथा राम जी को सुनाते हैं और कहते हैं, हे रघुनंदन इसके ऊपर कृपा करो। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, तारयिनाम महाभागाम, इस महाभाग्यशालिनी अहिल्या का आप उद्धार करो। विश्वामित्र जी कहते हैं ये अहिल्या साधारण नहीं है, महाभागाम महाभाग्यशालिनी है। बोले इतना पाप करने के बाद, शापित होने के बाद भी वो भाग्यशालिनी है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन जिसके ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा चल करके उसके द्वार तक आवे, उसके भाग्य की क्या सराहना की जा सके। अहिल्या साधारण नहीं। और अहिल्या के इस चरित्र को देखकर, अहिल्या के प्रति हमारी अश्रद्धा हो तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। अहिल्या परम पवित्र है, ये तो भगवान की लीला है। अहिल्या पंच कन्याओं में एक हैं। अहिल्या मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी और तारा, ये पांच पंच कन्या हैं। इन पंच कन्याओं की पवित्रता का हमारे यहां शास्त्र में बड़े विस्तार से वर्णन है। अब रही बात इस लीला की, तो ये लीला भगवान की है। अहिल्या तो सदा पवित्र हैं,
इन पंच कन्याओं में किसी प्रकार की कोई अपवित्रता कभी आती ही नहीं, इनको सदा ही पवित्र स्वीकार किया गया है। इनके स्मरण मात्र से हम आप पवित्र हो जाते। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम धर्मरूपिणी, इस धर्मरूपिणी देवरूपिणी अहिल्या के ऊपर आप कृपा करो, इसका उद्धार करो। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघवस्सह लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर के भगवान श्री रघुनंदन अहिल्या का उद्धार करने के लिए उद्यत होते हैं और अपने चरण कमल के रज से भगवान अहिल्या का उद्धार करते हैं। श्री कृष्णावतार में तो भगवान श्री कृष्ण किसी भी परिस्त्री का स्पर्श करने के पहले किसी से अनुमति नहीं लेते। कृष्णावतार में किसी परिस्त्री का भगवान स्पर्श करें तो उसके लिए भगवान को किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। पूतना का उद्धार करने के लिए पूतना को छूना पड़ेगा तो पूतना को छूने के लिए भगवान ने किसी से अनुमति नहीं ली। वृंदावन की सहस्र सहस्र गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा करते हुए भगवान उनका स्पर्श करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मन खाग्र पाते ही, तो भगवान किसी से अनुमति नहीं लेते। लेकिन श्री रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, यहां तो बिना गुरु की अनुमति के परिस्त्री का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ताड़का का भी उद्धार करना था तो जब तक गुरु जी ने कहा नहीं तब तक राम जी ने मारा नहीं, और यहां भी अहल्या का उद्धार करना है तो गुरु जी ने जब अनुमति प्रदान की। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के वचन को सुन करके उनकी आज्ञा पाकर के तब उद्धार करने के लिए भगवान प्रवृत्त होते हैं और भगवान के चरण रज से अहिल्या का उद्धार होता है। भगवान का चरण रज पड़ते ही अहिल्या अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। ये स्तुति हम सबको मालूम है, आइए हम लोग भी इस स्तुति का गान कर लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। परिसत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होइ कर जोड़ि रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन करी अति से बड़ भारी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल भारी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई ते नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन प्रभु बर मोचन पाही पाही शरणन आई मुनि साप जो दीना अति भल कीना परम जनो मोचन यही लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ नमा गौ पर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मन मन मधुक करे पाना के पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट कई शेष धरि सोई पद पंकज के पूजत रज मम सिर धर उपाल हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी पारि पारि हरि चरण परि जो अति मन भावा सो पर पावा कै पति लो पर सत पद पा पर सत पद पा।
परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज से। भगवान के चरण रज से अहिल्या पवित्र हो गई और अपने निज स्वरूप में प्रकट होकर अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। अहिल्या ने कहा, महाराज महर्षि गौतम ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीना, परम अनुग्रह में मान। मुनि ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया। क्यों? बोले, शाप न देते तो आज आप हमें कहां मिलते? राम जी का दर्शन हुआ क्यों? बोले, महर्षि गौतम ने शाप दिया था इसलिए। इसीलिए संतों ने कहा कि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। ऐसे कोई वरदान दे दे कि आपको राम जी मिल जाएं। राम जी के मिलने का वरदान जो है उससे कम है महर्षि गौतम का कोप। महर्षि गौतम अगर कोप न करते तो आज अहिल्या को राम जी की प्राप्ति न होती। इसीलिए अहिल्या कहती हैं कि मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीना, उन्होंने बड़ी कृपा की, परम अनुग्रह मैं माना, इसको मैं अनुग्रह मानती हूं। जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई और जिस गंगा को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया, उन चरणों को स्वयं भगवान ने कृपा करके मेरे मस्तक पर पधराया, मैं धन्य हो गई। ये सब कुछ प्राप्त हुआ मुझे महर्षि गौतम की कृपा से, मुनि शाप जो दीना अति भल। और उसी समय महर्षि गौतम आ गए। महर्षि गौतम भी प्रकट हो गए। फिर महर्षि गौतम और अहिल्या दोनों के चरणों में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने प्रणाम किया। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहतुर्मुदा स्मरन्ती गौतमवतः प्रतिजग्राह साहितौ। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में वंदन किया क्योंकि ये तपस्विनी। और फिर अहिल्या ने अपने आश्रम में भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जी का अभिनंदन किया, पूजन किया। पाद्यमर्घ्यम तथा तिथ्यम चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुस्थो विधि दृष्टेन कर्मणा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विधिपूर्वक अहिल्या ने अर्घपाद्याचमनादि से भगवान श्री रघुनंदन का और लक्ष्मण जी का अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया। उसी समय महर्षि गौतम भी पधारे। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या को पवित्र रूप में पाकर देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर अहिल्या को लेकर के महर्षि गौतम विदा हो गए।